अग्रेशन चेक कीजिए गाइस, इसका अग्रेशन चेक कीजिए, देखिए किस तरह से उसकी चिपटी हुई है। देखिए देखिए किसी, गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद रॉक्सी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा कल पहला ब्लॉग था और आज मेरा सेकंड ब्लॉग है, और मैं आज आया हूँ अपने घर के ही छत पे अपनी रॉक्सी को लेके हुए, और उसके साथ में मस्ती कर रहा हूँ। ऊपर देखिए आप, देखिए किस तरह से मस्ती कर रही है, देखिए खेलने में लगी हुई है। बस सुबह सुबह का टाइम होता है और इसका यही काम है खेलना। देखिए गाइस स्पीड में ही दौड़ रही है, देखिए सुबह सुबह का टाइम और मस्ती, बस इसी का यही काम है। सुबह टाइम थोड़ा बहुत खोलो और बस मस्ती स्टार्ट कर देती है। दोस्तों देखिए देखिए किस तरह से भाग रही है, देखिए दोस्तों देखो वहाँ पे मैंने ट्यूब लाया हुआ है, एक बाइक का ट्यूब है टायर का, तो उसमें से लगी हुई पड़ी है, बिल्कुल फाड़ के रख दिया है ट्यूब को। और देखिए देखिए दोस्तों कितनी प्यारी फीमेल है, और बस यही काम है इसका, इधर भागना उधर भागना ट्यूब को उठा के, और मस्ती कर रही है। देखो पूरी फुल मूड मस्ती में आई हुई है और बिल्कुल ही शांत नहीं रहती है ये। दोस्तों बिल्कुल ही शांत नहीं रहती है, जब भी इसको टाइम मिलता है खेलने का पूरा मजा लेती है, ये पूरा इंजॉय करती है। अब थोड़ी थक चुकी है, बहुत टाइम हो गया इसको खेलते हुए, तो लगता है थोड़ी बैठेगी अब खाट पे आराम से, बिल्कुल परेशान हो चुकी है अभी भाग भाग के, देखो थक के बैठ चुकी है आराम से। बहुत ही प्यारी फीमेल है दोस्तों मेरी, जब से इसको पाला है इतना बड़ा किया है, अभी ओनली 7 मंथ की हुई है ये, लेकिन बट देखो अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी, मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। जब मैं इसको लाया था तो ये शायद 20 या 22 डेज की थी, इतनी सी ही थी। मैंने अगस्त में इसको लिया था, आप अडोप्ट किया था इसको, और इस टाइम पे देख लीजिए आप कितनी ही अच्छी ग्रोथ इसकी हुई है। हाँ इसके फर्नियाँ ज़्यादा है, लॉन्ग कोट की नहीं है, शॉर्ट कोट फीमेल है, बट क्वालिटी कलर वगैरह अच्छा है। थोड़ा सा ये फर इसका डार्क अभी थोड़ा ब्लर हो गया है, पता नहीं कैसे ख़राब सा हो रहा है फर, लेकिन लगा रखिए इसके सिरप, हो जाएगा थोड़ा रिकवर। इसको सर्दी के टाइम पे ये पता नहीं इन्फेक्शन या डेंडर की वजह से ये हुआ था, तो डॉक्टर से पूछ पूछ के मैंने इसको दवाई वगैरह लगा रखी है, थोड़े टाइम में रिकवर हो जाएगा। बाकी गाइस देखिए सुबह का 7 बजे का टाइम है, क्या ही सुंदर व्यू आ रहा है। ये हमारे बनाना ट्रीज़, उधर से सनराइज़ हो रहा है, ये हमारे गेहूँ, और ये छत का पूरा, ये छत से मैं व्यू ले रहा हूँ। इधर साइड में चने हैं जो फुल कटाई के ऊपर आ चुके हैं, अब कटाई होगी इनकी। इधर ये चने जो अब कटने को आ रहे हैं, इनका टाइम ख़त्म हो चुका है और ये पूरी तरह पक चुके हैं, अब इनकी कटाई होगी। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे होते हैं चने के फेट, और ये फुल कटाई पर है अभी। इधर देखिए उधर, और ये बैठी हमारी रानी रॉक्सी, कितनी प्यारी लग रही है, देखो बैठे भागते भागते के बैठ चुकी है। दोस्तों बहुत ही परेशान किया इसने मुझे, पहले पहले आके मुझे लाते मार रही थी, ब्लॉग ही नहीं बनाने दे रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको थका लेते हैं पहले, उसके बाद में ब्लॉग बनाते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, हेयर वगैरह, कलर वगैरह बहुत अच्छा है, बस इसके कोट सिंगल कोट में है ये, बिल्कुल इसका लॉन्ग कोट नहीं है, इसी वजह से इतनी क्यूट नहीं लगती, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप कितनी अच्छी फीमेल है ये। दोस्तों ये 7 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और ये 8 मंथ की होने वाली है अब 14-15 तारीख तक। तो देखिए दोस्तों कितने ही आराम से बैठी है, आराम से मजे में बैठी है, बिल्कुल कोई गम नहीं है। अब इसकी डाइट का टाइम होने वाला है 8 बजे के समथिंग, मैं इसको डाइट दे देता हूँ स्टार्टिंग में। ये अभी पेडिग्री खा रही है अभी तक, तो स्टार्टर लगा हुआ है इसके, उसके बाद में थोड़ा इसको डॉग फूड से हटा के अपने जो डोमेस्टिक फूड है रोटी वगैरह पे लाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो इसको डॉग फूड पर ही रखा गया है, इसकी सप्लीमेंट रेगुलर चल रहे हैं अभी तो। तो दोस्तों ये सुबह की अपडेट थी, रॉक्सी ने बहुत मस्ती की और हमने बहुत मस्ती की इसके साथ। बाकी मिलते हैं आपको सीधा शाम को, अब शाम के टाइम पे उधर दूसरी साइड खेतों में जाएंगे और वहाँ पे आपको व्लॉग बना के दिखाएंगे। सनसेट का टाइम होगा, सनसेट का अच्छा सा व्यू आता है हमारे यहाँ से, और तो सनसेट का आपको शाम को अच्छा सा व्यू दिखाएंगे, तो बने रहना व्लॉग के साथ। मिलता हूँ डायरेक्ट शाम को नहा धो के अच्छे से कम्प्लीट हो गए, ठीक है भाई। तो नहा धो के ऑल सेट, और अब जा रहे हैं हम कॉलेज को, कॉलेज से अर्जेंटली कॉल आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है कुछ, तो कॉलेज जाना पड़ रहा है अर्जेंटली। तो दोस्तों कॉलेज चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं सीधा शाम को खेतों में, वही वादियों में, और वही सनसेट के साथ मिलेंगे आपको फिर से। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको शाम को डायरेक्ट। ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो आराम करते करते मेरी यही सी खटिया पे आँख लग गई, और अब जाके मेरी आँख खुली है, और वो भी तब जब पता चला कि बरसात हो रही है। देखिए कितनी बरसात हो चुकी है, देखिए बिल्कुल बरसात का पानी पानी हो चुका है दोस्तों, बहुत अच्छी बरसात हुई है। और ये देखिए मकान की तरफ से कितना अच्छा ही व्यू आ रहा है, ऊपर से सूरज है जो अब बादलों में छुप चुका है बिल्कुल भी, और ये अपनी रॉक्सी दोस्तों घूमने के लिए बिल्कुल उतावली हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब चुपचाप बैठी है।
रॉक्सी घूमन चलेगी, चलेगी घूमने रॉक्सी। ए ले चल आ जा, उठ चल 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 रॉक्सी आ जा, ले चल बैठ चुके यार हमसे, तो आराम से दोस्तों, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है, बरसात आए कुछ भी, बस इसको तो घूमना चाहिए। और अब देखो दोस्तों, खेतों में तो जा सकते नहीं है इस टाइम पे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऊपर छत पे ही इसको थोड़ा बहुत टहला ले, ताकि इसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ी, इनकी इसकी जो बोन्स है, इसका ब्लड है वो, उसका फ्लो चालू रहता है तो अच्छा रहता है, खाना अच्छे से खा लेती है दोस्तों। बाकी आप टाइम देख सकते हो कितना अच्छा ही टाइम हो रहा है, और ये देखिए काम चल रहा है अपने कलर का, मकान का वगैरह का। इधर से ये बाउंड्री अभी नई हुई थी, और इधर से ये सब जो कलर है, ये कलर का काम चल रहा है, लाइटिंग वगैरह का। उधर से मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, उधर से देखे पापा और मम्मी देख रहे हैं कि बरसात में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना, कलर का भी नहीं हुआ किया था, तो देखिए ये ख़राब होने का खतरा था, लेकिन कुछ नहीं है, चलो बहुत अच्छी बरसात हुई दोस्तों। वैसे ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है फसल को, अगर इसमें ओले होते या हवा होती इसके साथ में तो बहुत नुकसान होता फसल को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही हुआ है कि अच्छी बरसात हुई है। थोड़ी हल्की है, ज़्यादा तो है भी बरसात नहीं है, लेकिन है जो है अच्छी फसल है, अच्छी बरसात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फसल को, अच्छी बल्कि फ़ायदा ही होगा उल्टा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर देखें अपनी रॉक्सी घूमने के, घूमने जाने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे लेके जाए बताए, बरसात हो रही है, पूरे खेतों में कीचड़ हो चुका है, अब तो इसको घूमने भी कहीं नहीं ले जा सकते, तो जैसे बैठी है वैसे बैठे रहने देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब ये काम बंद होता है अपने कलर वगैरह का, तो ऊपर छत पे लेके जाएंगे और वहीं पे इसको घुमा लेंगे थोड़ा सा, वही ट्यूब से खेल लेंगे अच्छे से। देखे दोस्तों, दोस्तों इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी हाइट गई है, लेकिन मम्मी तो डबल कोट में थे, लेकिन फादर नहीं थे, तो इसी वजह से ये फादर को गई है, और फादर की तरह ही इसका स्ट्रक्चर आया है। देखिए देखिए कैसे कर रही है घूमने जाने के लिए, देखो बिल्कुल पागल हो रही है। देखो दोस्तों ये देखो परेशान हो रही है कि मुझे घूमने लेके जाओ, कैसे लेके जाए दोस्तों बताओ, बहुत कीचड़ हो रहा है खेतों में। रॉक्सी रॉक्सी चलेगी, चल बैठ जा नीचे बैठ जा रॉक्सी। हे तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट शाम तक की, बरसात भी हो गई, कलर भी कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा ये रह रहा है, ये इसको भी दादा कल ये कंप्लीट हो ही जाएगा लगभग, अगर मौसम अच्छा रहता है और विंटर आएंगे तो कल आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों व्लॉग को अपनी रॉक्सी के साथ में ही एंड करता हूँ आज, और व्लॉग को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सपोर्ट के मेरा सेकेंड ही व्लॉग है, और जब आप सपोर्ट करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, और रॉक्सी के, रॉक्सी से जो भी रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे लंबा टाइम तक मेरा करियर बनाने में यूट्यूब पर मदद करोगे दोस्तों, यही आपसे उम्मीद है। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ दोस्तों, गुड इवनिंग गुड नाइट, मिलते हैं एक कल नए ब्लॉग के साथ, नए अपडेट के साथ, थैंक यू गाइज।